सो हाय गाइस, हेलो। मैंने कपड़े कर लिए चेंज और अभी से मैंने फिर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। हम लोग रात में यहीं पे ठहरे हुए हैं और जयमाल वगैरह सब हो चुकी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। और अभी चढ़ावा चढ़ने जा रहा है, मैंने कहा स्टार्ट कर दिया। वैसे गुड मॉर्निंग है लेकिन गुड नाइट ही चल रही है अभी तो। और ये देखो यहाँ पे झांक रहा है, समस्ती कर। तो हम लोग अभी चढ़ावा चढ़ रहे हैं तो जा रहे हैं नीचे। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था तो पावर बैंक लगा के रखी हुई है, तो मैंने ये पहन लिया। और हल्की ठंडी होगी तो मैंने शॉल डाल लिया। चलो चलती हूँ, चलो। हे गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मंडप के पास। यहाँ पे चढ़ावा चढ़ने जा रहा है तो यहाँ पे जो लड़की दुल्हन का जो सामान पूरा होता है ना, वो सब लगाया जा रहा है। जो भी सामान दिया जाता है चढ़ावे में, वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी जाएंगी एक एक करके। और यहाँ पे लड़की के और लड़के घर वाले सारे लोग ही बैठते हैं, तो यहाँ पे हम लोग भी बैठे हुए हैं और जितने बाकी के लोग हैं सब लोग सो गए हैं, काफ़ी थक जाते हैं ना। तो कुछ मैन लोग होते हैं यहाँ पे। ये दुल्हन देखो आ गई है, हाथों में कोंचा लेके, क्योंकि जो लहंगा होता है ना, लहंगे फिर सारे जेवर जो पहने होते हैं ना जयमाल पे, वो उतार दिए जाते हैं, फिर लहंगा पहन के ही आया जाता है। क्योंकि चढ़ावे का मतलब असल यही होता है कि जो यहाँ पे जेवर साड़ी होता है वो एक एक पहनाया जाता है। तो इसलिए ना सिर्फ लड़की एक कपड़ा ही वो जयमाल वाला पहन के आती है। तो यहाँ पे बस उसके मामा लेके आए हुए हैं, बैठा लेंगे, फिर यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। फोटोग्राफर तो बस अपने काम में लग गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग भी बैठे हुए हैं। मैं तो बस पूरी रात ही ऐसी निकल गई थी जागते जागते, तो वहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। वो लड़की के मामा और मम्मी हैं, जो ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि ये लट माँ और मामा दोनों लोग छुआ के इसमें से पानी डालते हैं, ऐसे करके कुछ रिवाज होता है। यहाँ पे सारे लोग देखो खड़े हुए हैं, तो मैं अपने कल्चर सारे आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे वो मतलब जो हो रहा था वो हो गया है। अब यहाँ पे ये लड़की की भाभी बैठी हुई है, तो यहाँ पे ये कंकन वगैरह एक मंडप में एक और बांधा जाता है। एक कंकन पहले बांधते हैं, एक कंकन मंडप में बांधा जाता है, तो वही पंडित जी कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे हो रही है ये सफ़ेद कपड़ा हम लोगों के यहाँ डाला जाता है, ऐसा रसम होता है। तो अब ये छोटी सी कहते हैं ना बहन जो होती है, तो मांग भराई ही रस्म होती है। जो हिंदू कल्चर के लोग होंगे उनको पता होगा है किस किस के यहाँ रीति रिवाज होती है मांग भराई की रस्म, तो उनको पता होगा। तो हमारे यहाँ ये होता है, सबसे पहले तो माता रानी के यहाँ पे जाके जिस दिन शादी होती है उसी दिन जाके सिंदूर लगाया जाता है। और फिर दूसरा ये जो एक कन्या होती है वो कन्या मांग हल्का सा भरती है, शुभ माना जाता है। देखो सब लोग हंस रहे हैं कि कन्या ने बड़े आराम से कैसे घर, तो उसको उसका नेक दिया जा रहा है, भी दिया जाएगा, तो दो बार वो करेगी। तो उसके बाद फिर बाद में ही पति भरते हैं मांग। तो यहाँ पे ये मांग भराई की रस्म चल रही है, तो सब लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं तो अपना वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ, और जैसे जैसे जो भी मैं छोटे छोटे से क्लिप ले लेके आप लोगों के सामने आ रही हूँ, आप लोग भी देख के एंजॉय करो इसको। और अब यहाँ पे ये देखिए, चढ़ावे में सबसे पहले हम लोगों के यहाँ मांग टीका लड़की को पहनाया जाता है। तो यहाँ पे लड़की की भाभी मांग टीका पहना रही है। चढ़ावे में सामान चढ़ता है ना, उसमें से एक जेवर लेके लड़की को पहनाया जाता है, तो वही उनकी भाभी ने उनको पहना दिया। और यहाँ पे नाउन लोग जो बैठी हुई हैं वो उसके पैरों में आलता लगा रही हैं। तो मंडप पे ही सारे शुभ काम होते हैं, सारे शुभ साइज से काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आलता लगाने के बाद फिर और भी रस्म चालू होंगी। जयमाल के बाद ही असल रस्म चालू होती है, क्योंकि बहुत सारी हिंदू रीति रिवाज में बहुत सारी रस्में होती हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक एक करके। और अब यहाँ पे कहते हैं लड़की की या जेठ हो या मतलब नंदोई हो, वो लोग कोंछा डालते हैं। तो यहाँ पे ये जीजा जी जाके कोंछा डाल रहे हैं, तो ऐसा जरूर दो बार कोंछा पड़ता है, दोनों बार में कोई ना कोई डालता ही है। तो हमारे यहाँ जीजा जी यहाँ पे कोंछा डाल रहे हैं, तो भैया भी यहाँ पे रेडी होके आ गए हैं दूल्हे के रिवाज में।
तो यहाँ पे अब इनको भी बैठा लिया गया, पूजा पाठ इनका चले गया। यहाँ पे जो चढ़ावा रखा हुआ था वो सब रख दिया गया, और जो बस वही सामान निकाला गया जिस चीज को जो जो देना है। तो यहाँ पे देखो विक्की गया, भैया हंस रहे, ये जूते उठा के लेके आ रहा। मैंने कहा चुपचाप से जूते उठा के रख दे, जूते चुराई की रस्म अभी से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा चुपचाप उठा के रख ले, और यहाँ पे भैया देख के हंस रहे थे कि चलो दोनों ने। अब यहाँ पे लड़की और लड़का दोनों एक साथ बैठ चुके हैं, तो भैया तो अपना पगड़ी लगाए ही हुए हैं। अब यहाँ पे लड़की को भी ये मोर बांधी जाती है फेरे के टाइम पे। लड़की अपने कपड़े चेंज करके आ चुकी है। यहाँ पे हम लोगों का फेरे में पीले कपड़े ही पहने जाते, तो यहाँ पे पीली साड़ी पहनी हुई है। इसको हम लोगों के यहाँ पचिया बोलते हैं, जो कि मामा की तरफ से होती है। तो यहाँ पे पचिया बोल के यहाँ पे नए नए सब कर रही है। तो इसके बाद अब फेरे की रस्म स्टार्ट होगी। सात बचन लिए जाएंगे, सात कस्में, सात बातें, जो जन्म जन्म में इंसान बंधता है, यही एक मेन रस्म होती है, जिस वजह से इंसान अपने सारे बंधनों में जुड़ जाता है, बंध जाता है। मेन यही एक रस्म होती है, बाकी तो सब होता है, एंजॉयमेंट है, लेकिन मेन रस्म असल शादी इसी को बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। मेन तो यही है सब कुछ। तो आप लोग भी देखो, एंजॉय करो। अब यहाँ पे ये हो रहा है बिछिया, शायद मेरे ख्याल से। हाँ आप लोग देखो क्या हो रहा है, मेरे को इतने ध्यान से याद नहीं आ रहा। जब आगे का मैं प्रोसेस देखूंगी तब मेरे को शायद थोड़ा सा याद है। हाँ, ये पैर पुजाई की रस्म हो रही है, जो पैर पुजाई होती है ना वो हो रही है यहाँ पे। काफी सारे लोग पैर पूजते हैं। सबसे पहले ना पैर पुजाई, जिसने घर के मेहमान मान लोग होते हैं ना, सब एक एक करके लड़की को लड़के के पैर पूजेंगे। फिर पूजने के बाद फिर और बाकी की रस्में होंगी। हाँ, ये पैर पुजाई की रस्म चल रही है। तो देखो सब, अभी ये लड़की की मामी और मम्मी कन्यादान होने के बाद, कन्यादान का शायद मैं थोड़ा सा क्लिप नहीं ले पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी गाइस। कन्यादान में मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो मैं वहाँ पे क्लिप नहीं ले पाई। बहुत गंदा लगता है को कन्यादान के टाइम पे। तो मैंने बताया था ना कन्यादान की मैंने क्लिप नहीं ली हुई थी, तो क्योंकि उस टाइम मेरे को बहुत अजीब लगता है। कन्यादान के टाइम लड़की भी उदास हो गई थी, बहुत रोने लगी थी, उसके माँ बाप भी, तो बहुत अजीब लगता है उस टाइम, अच्छा नहीं लगता ना। मैं कैमरा खोल के चालू, कैमरे वालों की बात अलग होती है कि उनका तो काम है, काम तो मेरा भी है, बट हर टाइम नहीं यार अच्छा लगता। तो यहाँ पे भैया को नींद सी आने लगी। तो अब यहाँ पे लड़की के जो भैया भाभी है ना, वो जाएंगे हम लोगों के यहाँ, धान बुआई की रस्म होती है। तो यहाँ पे भैया भाभी धान बोएंगे जाके। मेरे यहाँ तो मेरा भाई अकेला ही है, मतलब शादी नहीं हुई तो उसने अकेले ही धान बोए थे। तो यहाँ पे उसकी भाभी भी हैं, तो दोनों लोग मिलके ये काम करेंगे। सात बार धान बोए जाते हैं, तो सात बार जैसे जैसे करेंगे, आप लोग खुद देख लेना कैसे कैसे करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा जूम करके आप लोग को भी दिखाती जा रही हूँ। और पूरी रात यार जागना पड़ता है शादी में, सब बहुत थकान हो जाती है, बहुत ज्यादा थकान होती है। तो यहाँ पे देखिए देखिए देखिए, तो ऐसे ही सूप के सूप से ही धान बुआई की रस्म होगी। ये देखिए एक एक करके यहाँ पे ऐसे डालते जाएंगे, और उनके पीछे पीछे जो उनके भाभी हैं लड़की की, वहाँ पे वो पानी डालती जाएंगी, और जो पूजा पाठ जैसे पंडित जी बता रहे हैं वो करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आग जला दी गई है, क्योंकि अब इसके बाद फेरे ही होंगे, सात बचन लिए जाएंगे आग को साक्षी मान के। तो यहाँ पे वही सात बार ये लोग करेंगे, सात बार करने के बाद ही फेरे स्टार्ट होंगे। ये देखिए ऐसा जिस जिसके यहाँ होता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी रीति रिवाज भी कहीं और जगह होती है।
गाइस यहाँ पे फेरे हो चुके हैं, 7 वचन हो चुके हैं, 7 कसमें, और यहाँ पे मांग भी दूल्हे ने भर दी है दुल्हन की। तो यहाँ पे इसमें से हल्का सा मतलब ये सिंदूर लेके लड़की लड़के के सीने में लगाती है, तो ये वहाँ पे करी। मैंने भी ऐसे किया था अपनी शादी में अपने हस्बैंड के साथ में, तो सर में मतलब तिलक करेगी कि कहते ना पति परमेश्वर हो जाते हैं फिर, तो वही चीज़ है। इस टाइम पे ना लड़की एकदम माता रानी का रूप लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। बोला भी गया है सीता मैया का रूप होता है लड़की का इस जगह पे, तो बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। देख सकते हैं आप लोग, मुझे कमेंट करके यार ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये दुल्हन कैसी लग रही है, ठीक है? तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और यहाँ पे अब लड़की की बुआ आई हैं, जो कि भाभी या बुआ होती है ना, वो ही बिछिया दबाती हैं पैरों में। तो यहाँ पे बिछिया दबाई की रस्म हो रही है, बिछिया पहनाई जा रही है। तो हम लोगों के यहाँ शादी में ये रस्में ज़रूरी होती हैं। किसी किसी के कल्चर में अलग अलग होता है कि ये सब नहीं होता है, बट हमारे यहाँ ये सब होता है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बैठी बैठी बहुत थकान सी हो रही है। मैं यहाँ पे एक्चुअली जूते छुपा के बैठी हुई, इसलिए मैं कहीं उठ के भी नहीं जा रही हूँ कि मैं करूँ तो करूँ। मैं भी ज़्यादा यार परेशान नहीं करूँगी उनकी सालियों को, जो भैया की साली होंगी है, दे दूँगी यार। लेकिन एक वो होती ना हंसी मजाक, बस उसी वजह से मैं कर रही हूँ ये सब। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, सुबह के 5 5:30 ऐसे ही बजे हुए हैं। जो हमारी ये मौसी की बेटियाँ हैं उन लोग को निकलना भी है, तो सुबह के टाइम विदा होने से पहले ये लोग निकल गए थे, तो इन लोगों को हम लोग बाहर तक छोड़ने जा रहे थे। तो यहाँ पे सारे प्रोग्राम अब विदाई की तैयारी हो रही है। यहाँ पे जो लड़की को सामान मिला हुआ वो सब रखा हुआ साइड में, मैं आप लोग को दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या क्या मिला है और विदाई कैसे हुई है। आगे की रस्में भी रीति रिवाज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना।